थोड़ा सा तकनीकी समस्या आ गई थी जिसके लिए हमें आपसे खेद है कि आपका थोड़ा सा समय खराब हुआ, आपको विलंब के लिए आपका इंतजार कराया, आपको इसके लिए हम माफी चाहते हैं। चलिए जी बेटा जी, आगे बात करते हैं प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे पर्सनलाइज एप्लीकेशन, तो अभी हमने बोला दो मैनेजर एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर काम कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर ऐसा अलाउ है तो इसी को हम बोलते हैं कि हाँ जी, इसी को हम पर्सनल एप्लीकेशन बोलते हैं। ना मैनेजमेंट में आर्ट का एक करेक्टरिस्टिक्स पर्सनलाइज एप्लीकेशन, वो अवेलेबल है। पहला स्किल तो अवेलेबल है मैनेजमेंट में, दूसरा है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब इसके बारे में देख लेते हैं बेटा जी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी लाइक एनी अदर आर्ट्स, अ मैनेजर गेट स्टडिंग वेरियस सिचुएशन फॉर्मूलाज हिज ओन थ्योरीज फॉर द यूज इन अ गिवन सिचुएशन, दिस गिवन राइज टू अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ अ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने पर्सनल एप्लीकेशन को इम्प्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो आप अपना सेल्फ मेथड, आप अपना सेल्फ डिजाइन मेथड उसमें यूज कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। तो मैनेजर्स भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपनी थ्योरी और एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, या और जो लिटरेचर अवेलेबल है उसको स्टडी करके अपनी प्रैक्टिस के आधार पर वो सेल्फ मेथड यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं बेटा जी। तो वो यही वाली बात तो बोल रहा है, अगर मैनेजर्स ऐसा कर पाते हैं, आर्ट में ऐसा करना अलाउ होता है, लेकिन अगर मैनेजर भी ऐसा कर सकते हैं तो हम बोल देते हैं जी हाँ कि मैनेजमेंट में ये वाला फीचर भी आर्ट्स का अवेलेबल है। चलिए जी आगे बात करते हैं, इसका मतलब पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी यहाँ अवेलेबल है और साथ में प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी अवेलेबल है। भाई आर्ट्स में होता ही क्या है, क्रिएटिविटी। तो मैनेजर भी अपनी क्रिएटिविटी यूज करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो ये बात भी अवेलेबल हो गई। अब बात करते हैं बेटा जी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये क्या है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब, क्या पहले से कोई लिटरेचर अवेलेबल है, कोई पहले से नॉलेज अवेलेबल है जिस नॉलेज को आप यूज करेंगे और फिर उसको अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो आर्ट्स में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, यानी कुछ थ्योरी कुछ नॉलेज पहले से अवेलेबल होती है, आप उसको स्टडी करके अपनी नीड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो सर मैनेजमेंट में भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। वो क्या बोल रहा है कि सर देखिए, लिटरेचर का, डांसिंग का और पब्लिक स्पीकिंग का, एक्टिंग का या म्यूजिक का जो लिटरेचर है वो पहले से अवेलेबल है। ठीक, डांसिंग स्कूल है, ड्रामा स्कूल है, पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज अवेलेबल है, उन्होंने ऐसा किया था, तो उन एक्सपर्ट्स के आइडियाज को हम यूज कर सकते हैं। तो आर्ट्स में पहले से थ्योरी अवेलेबल होती है, तो क्या मैनेजमेंट में पहले से थ्योरी अवेलेबल है? बिल्कुल सर, जो बेस्ट टू बेस्ट मैनेजर्स रहे थे, जिन्होंने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हुए वहां रिजल्ट अचीव किए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उनके मेथड को समझ के हम अप्लाई कर सकते हैं कि उन्होंने क्या रिसर्च की थी, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी। तो बिल्कुल आप उनके लिटरेचर को देख के, उनके मेथड को देख के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो सर इसी तरीके से कह रहा है, एज इन आर्ट, जैसा आर्ट में होता है लिटरेचर अवेलेबल है, डांसिंग का लिटरेचर अवेलेबल है और म्यूजिक का लिटरेचर अवेलेबल है, इसी तरीके से आर्ट में भी, मैनेजमेंट टू आर्ट में भी, मैनेजमेंट में भी ये सब देखने को मिलता है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, सर मैनेजमेंट में भी बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत सारे एरियाज में ऑफ मैनेजमेंट विच द मैनेजर, जिसको मैनेजर हैज टू स्पेशलाइज इन लाइक मार्केटिंग, एचआरएम एटसेट्रा। सर मैनेजमेंट में भी लिटरेचर अवेलेबल है, मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन का लिटरेचर अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज का अवेलेबल है, प्रोडक्शन का अवेलेबल है, इसी तरीके से सर दुनिया भर के लिटरेचर्स अवेलेबल हैं। तो हमारे मैनेजर्स उन लिटरेचर्स की स्टडी करके जो थ्योरी पहले से एग्जिस्ट करती है उसको यूज कर पाएंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। पर्टिकुलर मैनेजर ने ऐसा किया, उसकी थ्योरी ये कहती थी, तो उसकी थ्योरी को हम यूज कर लेंगे। सर होता ही ऐसे है,
सर ये तो यूट्यूब पे हम ढूंढते ही हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे इतना आगे बढ़ गई, उसके मैनेजर्स ने क्या क्या किया, तो उनकी थ्योरी को हमने पढ़ा और अप्लाई कर लिया। अगर ऐसा अवेलेबल है, अगर किसी भी वर्क को करने का थ्योरेटिकल लिटरेचर पहले से अवेलेबल है, थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से अवेलेबल है, तो सर आप उसको यूज कर पा रहे हैं, तो हम बोल देते हैं हाँ जी आर्ट है। तो मैनेजमेंट में भी ये सब हो सकता है। तो मैनेजमेंट में आर्ट के तीन फीचर होते हैं और मैनेजमेंट में आर्ट के वो तीनों फीचर दिखाई देते हैं, इसलिए आप आसानी से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो सारे के सारे फीचर जो है वो अवेलेबल हैं, तो आप इजीली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि इसमें आर्ट के सारे ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है। चलिए बेटा जी जल्दी जल्दी आगे बात कर लेते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट, फिर आप पूरा नहीं देखते हो क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो सर जी साइंस के लिए क्या चाहिए, एक सर सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साथ में दैट एक्सप्लेन सर्टेन जर्नल ट्रूथ एंड द ऑपरेशन ऑफ द जर्नल लॉज। तो ये कुछ बातें हैं जो साइंस में हमें देखने को मिलती हैं। अब हम आगे चेक करते हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या फीचर्स हैं साइंस के। तो आप साइंस से आप परेशान हो, सर हम साइंस से बड़ा परेशान, कॉमर्स वाले बच्चे साइंस वालों से बड़ा परेशान है। वो कहते रहते हैं साइंस हार्ड है, कॉमर्स बहुत इजी है। कॉमर्स किसने बोल दिया इजी है, तो हम उनकी बातों से पक गए हैं सुन सुन के। तो हम कह रहे हैं बस साइंस वालों बस। तो सर साइंस में क्या फीचर अवेलेबल हैं, साइंस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज बस। हमने आर्ट को कैसे याद कराया था, पीपीटी, साइंस को कैसे याद करा रहे हैं, बस। तो साइंस मतलब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, कोई चीज अगर एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो तो हम उसको साइंस बोलते हैं। किसी चीज का अगर यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब सब जगह उसकी एप्लीकेबिलिटी हो, तो उसको हम साइंस बोलते हैं। यूनिवर्सल एक ही तरीके से सब उसको यूज करते हो। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो वहां पर था थ्योरेटिकल नॉलेज, यहाँ बोल रहे हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सर अगर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्सल है और बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल है, तो आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट भी एक साइंस है। अगर साइंस के ये तीनों करेक्टरिस्टिक जो कि बस हैं, BUS, अगर अवेलेबल हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो हम बोल सकते हैं हाँ जी मैनेजमेंट हमारा साइंस है, वरना हम बोलेंगे साइंस नहीं है। तो सर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, देखिए जी, डेवलप थ्योरी ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, एग्जाम्पल वाटर बॉइल्ड एट 100 degree कन्वर्ट्स इंटू वेप, वो गैस वैस में बदल जाता है सर, तो वह प्राइज हो जाता है। इस तरीके से वो बोल रहा है कि अगर पानी को आप ऐसे 100 degree में करोगे तो फलाना डिमागा ये हो जाएगा, हमारे मतलब से बाहर की बात है। तो सर ये एक फैक्ट है जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा कोई फैक्ट अवेलेबल है, अगर होगा तो मैनेजमेंट साइंस हो जाएगी। सर दूसरा फीचर क्या, यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब कि कोई भी मेथड है और वो मेथड सब ऐसे यूज करते हैं, जैसे हमें कोई ये केमिस्ट्री में लिखना है H2O प्लस O2 इज इक्वल टू HO2, तो सर ये जो फॉर्मूला है ये सब जगह ऐसे ही यूज होता है, ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, कोई भी लिखेगा तो कंडीशन यही रहेगी, क्योंकि ये साइंटिफिक रिजल्ट है, ये यूनिवर्सल चीजें आप इसको चेंज करके यूज नहीं कर सकते हो। आगे बोल रहा है सर सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, तो सर सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रिंसिपल है और जो बेस्ड है किसी कॉजेज या इफेक्ट के ऊपर, किसी रिलेशनशिप के ऊपर, तो अगर ऐसा है तो उसको भी हम साइंस बोल देते हैं। जैसे कि व्हेन मेटल आर हीटेड दे आर एक्सपेंडेड, जब हम मेटल को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं। तो सर इस तरीके की अगर चीजें हमें देखने को मिलेंगी तो हम बोल देंगे मैनेजमेंट साइंस है, बस अगर देखने को मिलेगी मैनेजमेंट में तो साइंस है वरना नहीं है। तो सर देखते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ना सर हमारे मैनेजमेंट में ये देखने को नहीं मिलता है, तो हम कतई भी नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलती है। सर ये तो ह्यूमन डील्स है, आदमियों के ऑब्जर्वेशन है, यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट वाली बात है ही नहीं। सर लैब में तो टेस्ट हुए ही नहीं है मैनेजमेंट के, कोई लैब टेस्टेड मेथड तो है ही नहीं, बस उनकी पर्सनल नॉलेज है, पर्सनल एप्लीकेशंस है जो रॉन्ग भी हो सकती है, वो एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पर लेबोरेटरी वाला कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, तो ये वाला फीचर तो कतई भी अवेलेबल नहीं है। जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं। साथ में हम क्या बोलेंगे सर, नो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट लाइक प्रिंसिपल ऑफ द साइंस प्रोवाइड मैनेजर्स विद अ
certain standardized technique that can be used in different situations. However, since the principle of the management have to be modified according to the given situation, their application and use is not universal. वो कह रहा है कि मैनेजमेंट का जो रूल एंड प्रिंसिपल है और सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं तो वो यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि वो हर सिचुएशन में इसी तरीके से यूज होंगे ऐसा नहीं है। ये तो पूरे फ्लेक्सिबल होते हैं, हम अकॉर्डिंग टू द नीड उनको चेंज करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड चीजें हैं। तो सर ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी यहाँ पर देखने को भी नहीं मिलती है, ये पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। लास्ट वन इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो यह सर ये वाला जो फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी मैनेजमेंट में देखने को नहीं मिलता है, ये फीचर भी देखने को नहीं मिलता है। नहीं नहीं सर, ढंग से फ्लो में मत चला करो, ढंग से सोचा करो, पहले वाले तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो थी, पहले भी तो पढ़ के आ रहे थे हम। लाइक साइंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन थियरीज एंड प्रिंसिपल, जैसे साइंस के कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन थियरीज हैं, ऐसे ही हमारे भी तो कुछ मैनेजर एक्सपर्ट्स हुए हैं, उनकी थ्योरी और ऑब्जर्वेशन के लिटरेचर अवेलेबल हैं, उन लिटरेचर को हम यूज करते हैं, तो ये वाला फीचर अवेलेबल होता है। दैट मींस दो फीचर अवेलेबल नहीं है, तीसरे वाला फीचर हमारा अवेलेबल है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं थुड़कू मुड़कू साइंस है वैसे साइंस नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस, साइंस के जैसा है मैनेजमेंट, नॉट अ कंप्लीट साइंस, मैनेजमेंट एक कंप्लीट साइंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछ लेता है मैनेजमेंट क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर सोशल साइंस है, कंप्लीट साइंस नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, यूनिवर्सल देखने को नहीं मिलती है, और लैब टेस्टेड भी नहीं है, यूनिवर्सल भी नहीं है, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज है, वो केवल एक फीचर देखने को मिलता है, बाकी अवेलेबल नहीं है। बाद में बात करते हैं प्रोफेशन की, प्रोफेशन क्या होता है सर, जैसे लॉयर एक प्रोफेशन है, जैसे सर डॉक्टर एक प्रोफेशन है, यानी कि अगर किसी काम को करने के लिए किसी स्पेशल स्किल या नॉलेज की जरूरत पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। जैसे कोई भी लॉयर नहीं बन सकता, बार काउंसलिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, जब तक आप LLB का कोर्स नहीं करोगे बार काउंसलिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसी तरीके से डॉक्टर, जब तक आपको मेडिकल एसोसिएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एंट्रेंस और यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं लेकर आओगे, तब तक वो आपको सर्टिफिकेट या प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। सर करेंगे बैन है, तो ऐसा कोई तो हम झोला छाप डॉक्टर बोल देते हैं, फिर अलाउ नहीं है। तो अगर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन, इस तरीके की कोई टेस्ट, इस तरीके का कोई एंट्रेंस अगर मैनेजमेंट में भी है तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट साइंस है, सॉरी मैनेजमेंट प्रोफेशन है, वरना हम नहीं बोलेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। चलिए जी बेटा जी आगे बात करते हैं फीचर, सर फीचर क्या है प्रोफेशन के, स्वेयर, आई स्वेयर, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, ठीक है बेटा जी, आई स्वेयर, ठीक है, तो आपको स्वेयर याद रखना है, कसम वाला सर, एस मतलब सर्विस मोटिव, ये फीचर ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, जिनको देख के आप पता लगाएंगे क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो प्रोफेशन के करेक्टरिस्टिक क्या है, स्वेयर सर, सर्विस मोटिव, डब्लू वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तीसरा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और यहाँ पर है एसोसिएशन ऑफ द प्रोफेशनल, और यहाँ पर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है जिस काम को करने के लिए कोई भी आदमी ओपनली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी आंख मीच कर नहीं घुस सकता है, वहां पर आने के लिए कोई आपको एक पर्टिकुलर बेस की जरूरत पड़ेगी, किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन और एंट्रेंस के बाद ही आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी आ जाएगा। तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है प्रोफेशन में। सर एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, सर ये प्रोफेशनल्स का एसोसिएशन होता है, एक बॉडी बनी हुई होती है, जैसे बार काउंसलिंग की बॉडी होती है बेटा, जैसे वकीलों की एक बॉडी होती है जिसको आप बोलते हो बार काउंसलिंग, सर इसी तरीके से मेडिकल CA की हम बात कर लेते हैं, CA की एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं ICAI। अब ये क्या करते हैं, ये रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, यानी कि CO को क्या करना है ये ICAI बताएगा, वकीलों को क्या करना है ये बार काउंसलिंग बताएगा। तो पहली तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, दूसरा एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, यानी कि एक लीगल अथॉरिटी या लीगल बॉडी ऊपर बैठी हुई है जो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताएंगे, साथ में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने कहा ना एक बॉडी है, तो ये जो एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स है, ये जो आपने लीगल बॉडी बना रखी है, ये यही तो डिसाइड करती है कि आपके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होंगे। जैसे डॉक्टर का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि डॉक्टर साहब अगर किसी मरीज के पास पैसे ना हो तो भी आपको इलाज करना है उसका, पैसों के अभाव में वो मरना नहीं चाहिए, वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ज्यादा पैसे नहीं मांगेंगे, एक से कम दूसरे से ज्यादा ले रहे हो। वकील साहब आपके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आप झूठ नहीं बोलेंगे। CA साहब आपके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि आप ढंग से ऑडिट करेंगे, आप सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे।
क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो अवेलेबल होते हैं मैनेजमेंट में, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज सर होता ही होता है, सर्विस मोटिव, आप सर्विस मोटिव के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में अगर देखने को मिलेंगी तो हम बोल देंगे हाँ जी मैनेजमेंट भी क्या है, एक प्रोफेशन है। अगर नहीं मिलेंगी तो हम बोलेंगे ना जी मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। चलिए बेटा जी, तो बात करते हैं अब जल्दी से फिर से, तो बेटा जी बात करते हैं सर्विस मोटिव के बारे में कि सर्विस मोटिव क्या है। तो सर्विस मोटिव, द बेसिस मोटिव इज टू बी सर्व देयर क्लाइंट इंटरेस्ट एंड द सोसाइटी बाय गिविंग बेटर सर्विसेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है ऑल प्रोफेशनल आर बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्टीट्यूशन। एक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे सीए के लिए ऑडिट का नॉलेज होना, सीए का नॉलेज होना, टैक्स का नॉलेज होना, ऐसा जरूरी है। तो क्या मैनेजमेंट के लिए भी किसी पर्टिकुलर नॉलेज का होना जरूरी है? अगर होगा तो वो प्रोफेशन की तरफ बढ़ जाएगा, वरना नहीं बढ़ेगा, पिछड़ जाएगा सर। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं? ऑल प्रोफेशनल बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल एंड रेगुलेशन विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। मतलब एग्जांपल बने हुए, जैसे बार काउंसलिंग है इंडिया के लॉयर्स के लिए, जैसे IIMA है डॉक्टर्स के लिए यानी कि मेडिकल एसोसिएशंस है, और ICI है चार्टर अकाउंटेंट के लिए। तो ये कुछ प्रोफेशनल बॉडी हैं जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी है। ठीक, इसी के अलावा मैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेंबर्स यहाँ अवेलेबल हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी नहीं घुस सकता है यहाँ पर आकर, केवल वही प्रोफेशनल आदमी जो टेस्ट पास करके आए हैं वही प्रैक्टिस कर पाएंगे, वरना कोई भी आदमी अपने नाम के सामने डॉक्टर सीए वकील नहीं लिख सकता है। तो सर बात करते हैं क्या मैनेजमेंट में ये सब चीजें अवेलेबल है या मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। तो सर जी ये कुछ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन, नो सब्जेक्ट टू एनी फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का मैटर भी नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं बना हुआ जहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं बना हुआ कि आप पास करेंगे तभी आप मैनेजमेंट में एंट्री करेंगे, कोई एंट्री नहीं है सर। साइंस वाला भी घुस रहा है मैनेजमेंट में, कॉमर्स वाला भी घुस रहा है मैनेजमेंट में, आर्ट वाला भी घुस रहा है, जिसका जुगाड़ है अगर वही घुस रहा है मैनेजमेंट में। कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई एथिकल रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, और कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करे। तो अभी तक ये सारी चीजें देखने को मैनेजमेंट में नहीं मिलती हैं। ठीक, मैनेजमेंट में ये सारी चीजें अभी तक देखने को नहीं मिलती हैं, इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी क्या है, प्रोफेशन नहीं है। फिलहाल के टाइम में मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने अपने रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने मैनेजमेंट में किन लोगों को रखना है उनके लिए टेस्ट भी सेट कर रखे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जिन्होंने एक बॉडी भी बना रखी है, वो बॉडी ही डिसाइड करेगी किन लोगों को हायर करना है, उनका नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज देखना है कि उन्हें पर्टिकुलर डिग्री उनके पास है तो ही अलाउ करेंगे। तो अगर ये वाला काम अच्छे लेवल पे बढ़ता चला गया, सब लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हम आने वाले टाइम में बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अभी नहीं, अभी तो लिमिटेड है कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक, वही ऐसा करते हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो अभी तक मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। हाँ, आने वाले समय में प्रोफेशन बन सकता है, अभी तक ये कोई प्रोफेशन नहीं है। तो इतना ही था हमारी आज की क्लास में, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर नंबर 2 के साथ, या फिर अगर आप कहेंगे कि सर इस पूरे चैप्टर को एक बार एक वीडियो में वन शॉट में रिवाइज करा दें, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं एक लास्ट वीडियो इस चैप्टर पे और बना दूंगा जिसमें वन शॉट में रिवाइज करा देंगे। वरना अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम चैप्टर 2 के साथ। जब तक के लिए घर रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे।